अक्सर सबसे अच्छी सीख हमें सबसे खराब इंसान से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे, जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई रेसिपी, जो है डोसा। ये एक बेसिक नॉर्मल सी रेसिपी है, झटपट भी बन जाती है घर पे, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एकदम बेसिक है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें मार्केट से लाने पड़ते हैं, कुछ हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। चलिए जानते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे डोसा के मसाला के इंग्रेडिएंट्स, बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें तकरीबन 3 बड़े टमाटर हमने लंबे लंबे काट लिए हैं, ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं। 3 प्याज मीडियम साइज़ के ऐसे लंबे लंबे काट लें, बाद में इनको ऐसे ही पकाएंगे तो ये देखने में अच्छे भी लगते हैं, हमारे मसाले में दिखता रहता है। तकरीबन 3 बड़े चम्मच अदरक ग्रेटेड, या आप 2 इंच लंबा अदरक को बढ़िया से अच्छे से धो के छोटे छोटे काट लें या ग्रेट कर लें। थोड़ा सा धनिया, 2 खड़ी लाल मिर्च छौंकन में यूज़ करेंगे, 1 कप मटर, थोड़ा सा जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच नमक, या आप टेस्ट अनुसार भी ले सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो उबला आलू ले लिया है, पहले से धो के अच्छे से उबाल लिया है। मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ, जिससे मैं इससे बाद में और भी रेसिपीज़ बना लूँ। हम जब कभी भी रेस्टोरेंट विजिट करते हैं तो हमारे मन में एक कॉमन रेसिपी रहती है, वो है डोसा। मेन्यू आया हो सामने या ना आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा सबके मन में एक डोसा कॉमन रेसिपी होती है, जो मंगाना ही मंगाना है। तो हम काफ़ी सोचते रहते हैं कि ये रेसिपी घर पे बनाई जा सकती है कि नहीं। जी हाँ, बनाई जा सकती है और काफ़ी अच्छी तरह से बनाई जा सकती है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी कम है। रेस्टोरेंट में भी बनाते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर घर पे जो बनती है उसमें इंग्रेडिएंट्स भी कम है, समय भी कम लगता है और बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो चलिए बनाते हैं। अब मैं हमेशा की तरह अपना लोहे का पैन गैस पे चढ़ा दिया है, उसको हीट होने के लिए। तब तक 3 बड़े चम्मच हम तेल का ले लेंगे। तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसी पे डिपेंड करता है। अब उसमें हम अपना लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और अदरक को डाल के हल्का सा भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम अपने आलू को मैश करके पूरा का पूरा डाल के ऐसे ही भूनेंगे। सब डिपेंड करता है भूनने पे, आप जितना अच्छे से इसको भूनोगे ये उतना ही फ्लेवर देगा। इसमें तकरीबन हम मान लीजिए 5 मिनट तक भूनेंगे, ऐसे ही चलाते रहें बीच बीच में, जिससे बीच में लगे, जो जल बीच में लगता है उससे घबराए ना, वो उसमें फ्लेवर ही लाता है। अब इसमें हम अपने सारे मसाले और प्याज को डाल के ऐसे ही भूनेंगे। प्याज को हमको पहले लाल वाल नहीं करना, ये ऐसे ही काम चलता है, अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे और अपने हरे मटर भी डाल लेंगे और उसको ऐसे ही पकाएंगे, जिससे हमारा टमाटर पक जाए। ये पकने में थोड़ा सा मसाला समय लगता है, इसको ऐसे ही भूने काफ़ी टेस्टी लगेगा। अब इसमें हम धनिया डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये लगभग हमारा तैयार है मसाला, भून लेंगे। जैसे ही आप देखो कोई पैन छोड़ने लगेगा नीचे से, तो समझ लीजिएगा मसाला हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, टमाटर बस ऐसे समझिए सॉफ्ट हो जाए, बस हमारा तो मसाला हो जाएगा। ये मसाला अब हो गया, इसमें हम धनिया डालेंगे, मिलाएंगे और उतार लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा मसाला, इतना लाल लाल अच्छे से। ये हमारे सांभर के इंग्रेडिएंट्स, इसमें हमने तकरीबन 2 टमाटर मीडियम साइज़ के रफली लंबे लंबे काट लिए हैं, 200 ग्राम आपका लौकी का मीडियम साइज़ छोटी क्यूब में काट लिया है, 1 प्याज रफली चॉप कर लीजिए, ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा धनिया, 2 खड़े लाल मिर्च और 1 चम्मच राई का जगह हमने सरसों को लिया है। राई छोटा छोटा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, ये सरसों दाने दिखते हैं अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छा आता है। 3 चम्मच हम सांभर मसाला लेंगे, जिसमें 1-2 चम्मच हमने सांभर में डालना है और 1 चम्मच अपना फ्राई करते वक्त यानी छौंकन के समय डालना है। मैंने 1 कप दाल पहले ही उबाल लिया था, जिससे पकाने में हमको टाइम न लगे। अब हम कुकर में अपना सारे वेजीज और थोड़ा सा तकरीबन 2 कप पानी, नमक, सांभर मसाला 2 चम्मच डाल करके अच्छे से मिला लें, और आपको खट्टा पसंद है थोड़ा सा इमली का पानी भी यूज़ कर लें, अगर नहीं तो नींबू भी, 1 सीटी तक देने तक पका लें। अब हम छौंक लेते हैं, जिसमें 2 चम्मच हम घी का किसी पैन में ले लेंगे, राई के दाने फूटने तक के लिए उसमें डाल देंगे। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हल्का सा लाल मिर्च, जैसे ही लाल होता है लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच अपना सांभर मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पीसा डाल करके छौंक देंगे। ये देखिए हमारे तड़केदार सांभर तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा सांभर ना। अब चलिए हम सफ़ेद वाली चटनी बना लेते हैं, ये बहुतों का फेवरेट होता है। इसमें तकरीबन हमने 1/2 नारियल ले लिया था पानी वाला, उसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पुदीना, थोड़ा सा जीरा तकरीबन 1/2 चम्मच और थोड़ा सा मिर्चा, अदरक और लहसुन डाल करके पीस लिया, और लास्ट में राई या सरसों और मिर्चे से छौंक दिया है बस। टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा धनिया टॉपिंग्स के तौर पे रफली काट के रख लिया है, ये हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, खाने में और देखने में अच्छा लगता है। अब आइए जानते हैं घोल की रेसिपी। घोल में आपको 3:1 के रेशियो में हमेशा भिगोना है दाल और चावल को। क्वांटिटी कितनी भी हो, 3:1 रेशियो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। 3 मतलब
आपका 3 कप चावल रहेगा, एक मतलब एक धुली उड़द रहेगी, सफ़ेद वाली इमरती वाली दाल या जो भी आपके लिए धुली उड़द रहेगी। उसमें अब हम 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच बेसन, बेसन ज़रूरी है आपको करारीपन बढ़िया लाता है, और थोड़ा सा पानी डाल करके मिलाएँ, कंसिस्टेंसी देखते रहें। इसमें आपको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा घुल मोटा रहेगा, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम आराम से गिरने वाली कंसिस्टेंसी रहेगी। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे रहेगी, ये मिला लें अच्छे से, कोई लम्स ना रहे उसमें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहेगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहेगा डोसा। अब आइए डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए तावे को गर्म कर लें, तावा बहुत हीट नहीं रहेगा वरना डोसा बीच में जल जाएगा, और उसमें हमने हल्का सा घोल और नमक पानी का छींट दे दिया था जिससे डोसा तावे पे चपके ना। अब बीचों बीच घोल को डालें और कटोरी को बीचों बीच एकदम बराबर रखते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए बाहर आ जाएं। मेरा थोड़ा आदत अच्छा है इसलिए मैं जल्दी से बना लेता हूँ, आप भी ऐसे बनाएं आपका भी धीरे धीरे बन जाएगा। तो अब डोसा को आप अच्छे से जैसे ही वो सूख जाए उस पर रिफाइंड या घी जो भी आपको डाल के बनाना हो बनाएं, अच्छे से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरे डोसे को, अच्छे से तेल से ढक दें मतलब लगा रहे उस पर अच्छे से। अब उसको अच्छे से पकाएं, इधर उधर तवा करके पकाएं क्योंकि घर का जो गैस होता है वो छोटा रहता है तो गैस पूरी तावे पे हीट दे नहीं पाता, तो हम तावे को इधर उधर करके कोने कोने तक पका लें। अगर आपको लग रहा है डोसा बीच में जल रहा है तो एक तरफ से कलछी अपना डोसे के बेस एकदम बीचों बीच तक जा करके उठा दे तो वो जलना बंद हो जाएगा। अब उसमें हमने मसाले डाल दिए, टॉपिंग्स अपना टमाटर और प्याज का दे दिया था, धनिया थोड़ा सा। अब इसमें मैंने तनी सा मसाले में पनीर को भी मैश कर दिया है, खाने में अच्छा लगता है, आप भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, आप देखने में भी अच्छा लगेगा खाने में भी मज़ा, क्यों मज़ा आ रहा है ना डोसा बनाने में, वो क्या कहते हैं आराम से बनाइए डोसा बनेगा, आपका भी ऐसे गोल गोल बनेगा। अब ये देखिए हमारा डोसा बन गया है, पक जब डोसा पक जाएगा तो अपने आप ही तावा को छोड़ देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आराम से छोड़ देगा। ये लीजिए हमारा डोसा बन गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना डोसा हमारा, एकदम टेस्टी। आज के लिए काफ़ी है इतना, अब हम मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, और याद रखिएगा अगर अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है।